हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, एंजल की रसोई में आपका स्वागत है। तो देखिए आज क्या बनने जा रहा है। हाँ हाँ अब ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे, आज बना रहे हम आम रस। मैंने सोचा गर्मियों का मौसम जाने वाला है तो क्यों ना आज हम आम रस का मज़ा ले ले। पूरे साल फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको पता है मैं आम खाने से बहुत डरती हूँ कि जैसे पिंपल्स आते हैं ना, तो इसीलिए मैं आम से दूरी भागती हूँ। बट आज मन हुआ कि कुछ मीठा भी खाऊं और हेल्थी भी खाऊं। तो देख लिया आपने, मैंने इसमें 2 आम चॉप करके डाले हैं, मीडियम साइज़ के थे। और चीनी डाली है मैंने 4 से 5 स्पून। 1 स्पून मैंने डाल दिया इसमें मिल्क पाउडर भी। मिल्क पाउडर डालने से जो आम रस में मज़ा आता है ना, मैं आपसे क्या ही कहूँ, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और साथ में ही मैंने केसर वाला दूध भी डाला। तो देखिए बन गई हमारी, तो ये रेडी हो गई हमारी मैंगो स्मूथी। तो दोस्तों अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूध की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने इसमें डाल दी है आइस और फिर से मैंने डाल दिया है दूध। अब फिर से एक बार चर्न करेंगे मिक्सी को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मैंने एक बाउल में निकाल दी है आमरस। अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम डालेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट में दोस्तों पिस्ता, बादाम, किशमिश ये लिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम ऊपर से भी डालेंगे। वेट, तो मिक्स करते हैं, इसके बाद हम ऊपर से भी ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट में जो चाहे ले सकते हैं, चेरीज हो, टूटी फूटी हो, इसमें तो जितने ड्राई फ्रूट्स डालिए मज़ा आता है। तो देखिए गार्निश करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी केसर ऊपर से भी डालूँगी। और हाँ दोस्तों मैंने बादाम आम लिए थे, आप जो भी ले सकते हो, केसर, लंगड़ा, रूमाली, जो भी आम लेना चाहे ना आप वो ले सकते हैं। ऊपर से भी थोड़ी मैंने केसर गार्निश कर दी है। और ये पुदीने की पत्ती से हम थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। आम हल्का सा सफ़ेद हो तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, येलो वाला थोड़ा। तो देखिए बन गई हमारी आम रस। तो जल्दी जल्दी पेट पूजा करने के लिए पूड़ियाँ बना दें। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, चिल्ड करके खाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो ये बनके रेडी हो चुकी है, देखिए क्या मस्त लग रही है। कौन सी सिटी से देख रहे हैं आप ये वीडियो, ज़रूर बताइए। तो देखिए पूड़ी का तो आटा मैंने पहले ही लगा के रखा था, बस नॉर्मली गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने आटा लगा लिया है। अब छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे हम। पूड़ियाँ जो शेप में चाहिए आपको बना सकते हैं। तो देखिए ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है क्योंकि मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा है। तो ये पूड़ी गई तेल में तैरने के लिए दोस्तों। तो देखिए कैसे मस्त पूड़ी फूल रही है। और हाँ दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए ना, तो आप आटा लगाने के टाइम में ना थोड़ा सा 2 स्पून सूजी का डाल देना, तो आपकी पूड़ी है ना एकदम खस्ता बनेगी। तो ये थोड़ी सी चिप्स भी मैंने रख दी है आलू की, वो भी मैंने घर पे ही बनाई है, इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं या आपको कहीं पार्टी में ले जाना हो, थोड़ा सा सिल्वर वर्क के साथ सजा ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।